दीपिका जी, दीपिका जी, आपने दम मारो दम वाले सॉन्ग में इतना मर मर के क्यों डांस किया है? आपने तो कहा था कि ये शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम वाली कैटेगरी का गाना है, मगर ये तो कोई भी आइटम सॉन्ग टाइप लगता है। जी हाँ, आजकल दीपिका से सब यही सवाल पूछ रहे हैं। एक नाइटमेयर क्वेश्चन है ना। एग्जैक्टली, दीपिका के साथ सबसे बड़े दो नाम जुड़े हैं, पहले तो रणबीर कपूर और दूसरा सिद्धार्थ माल्या। रणबीर ने इन्हें क्यों छोड़ा और सिद्धार्थ कहीं इन्हें छोड़ न दे, और कटरीना तो बस इनके ख्वाबों की दर्दनाक चुड़ैल बन के इनके सामने आ जाती होंगी। ऐसे सपने इन्हें दिन रात जरूर सताते होंगे। वेल, उसके बाद इनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, भाई वल्लाह। बात करते हैं चांदनी चौक टू चाइना। भाई फिल्म के नाम पे ये एक ऐसा दाग है जिसे बॉलीवुड को काफी सालों तक अपने सर पे लेके घूमना पड़ेगा। सारे फ्लॉप्स के रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करने वाली इस फिल्म में पहली बार डबल रोल करने वाली दीपिका ना तो चाइनीज लगी और ना ही कम्प्लीटली इंडियन। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और इसके साथ ही दीपिका की नींद भी छिन गई। दीपिका की नेक्स्ट फिल्म थी लफंगे परिंदे। अब इस फिल्म में दीपिका ने एक ब्लाइंड गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया, जिसे इतना सॉलिड स्केट्स पे डांस करना आता है कि वो घूम घूम के एक कॉम्पिटिशन भी जीत जाती है, मगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वेल, डेफिनेटली दीपिका को चौल वाले गुंडे इन्हें इनके सपनों में जरूर ढूंढते होंगे। ओनली टू आस्क, प्राइज मनी किधर है? 50-50 करना मांगता है डार्लिंग। वेल, बुरा मत मानिए दीपिका, पर यहाँ बॉलीवुड में ऐसे घुमाने वाले लोग बहुत हैं। जरा सोच समझ के घूमिएगा, वरना ये फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स आपकी रातों की नींद ही नहीं छीनेंगी, पर साथ साथ अगर नींद आएगी भी तो उस नींद में भंग डालने वाले बुरे डरावने सपने भी बन जाएंगे। फिल्मी नाइटमेयर्स पे है दीपिका एट नंबर 10।